तो चलिए फ्रेंड, आज मैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जो कि बॉलर ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, यह एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बेड हाइट हाई इन एफबीसी और सीएफबीसी बॉलर, यानी कि एफबीसी या सीएफबीसी बॉलर में जो हमारा बेड हाइट इंक्रीज करता है, जिसको हम लोग को ड्रेन करना पड़ता है, यह इंक्रीज क्यों होता है और इंक्रीज होने का जो रेशो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेड मटेरियल हमारा एफबीसी में कब चार्ज करना पड़ता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि एफबीसी या सीएफबीसी बॉलर में बेड हाइट इंक्रीज होने का रीजन क्या क्या होता है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहां पे एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है, जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं कि ये क्या हमारा बॉयलर है, यानी कि फर्नेस है। यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसके चलते हमारा जो ट्यूब के इनसाइड में जो वाटर है वो इस हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में प्रोडक्शन करता है। तो ये हमारा बॉयलर हो गया, ये हमारा इकोनोमाइजर होता है, ये हमारा एपीएच है और ये हमारा ईएसपी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली बात है कि हमारा जो बॉयलर है इसके अंदर बेड हाइट इंक्रीज क्यों होता है, बेड हाइट इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूल का कम्बसन करवाने के बाद ही हमारा हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट से हम लोग स्टीम का प्रोडक्शन करते हैं। तो हमारा जो बॉयलर के अंदर जो फ्यूल का कम्बसन करवाते हैं, उस फ्यूल में हमारा कुछ अमाउंट में एस का कंटेंट भी होता है। ऐसा नहीं कि पूरा 100% हमारा कम्बसिबल एलिमेंट होता है। तो हमारा फ्यूल का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस करके देखते हैं, तो उसमें हमारा एस का परसेंटेज भी मिलता है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारा बॉयलर है जिसमें हम लोग फ्यूल डाल रहे हैं, उसमें फ्यूल का जो क्वांटिटी है वो कितना है, यानी कि हमारा फ्यूल कंजप्शन कितना हो रहा है। तो अज्यूम कर लीजिए कि ये 200 टन हमारा फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है, यानी कि 8 घंटे एक शिफ्ट के अंदर हमारा 200 टन फ्यूल का कंजप्शन हो रहा है। और ये जो हमारा फ्यूल है इसके अंदर एस कंटेंट कितना है, एस कंटेंट मान लीजिए कि इसके अंदर एस का जो कंटेंट है वो कितना है, तो 50% जब हम लोग एनालिसिस किए फ्यूल का, तो उसमें हमें पता चला कि इसके अंदर तो 50% क्या है, एस कंटेंट है, और बाकी का जो 50% है वो क्या है, कंबसिबल एलिमेंट है। यानी कि जब हमारा फ्यूल का कंबसन होगा तो उसमें हमारा 50% जो है उसका कंबसिबल एलिमेंट नहीं होने की वजह से ये एस का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो एस है वो हमारा बॉयलर में या हमारा इकोनोमाइजर एपीएच या ईएसपी में उसको स्टोर किया जाता है, ट्रैप कर लिया जाता है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जब हमारा 200 टन फ्यूल का कंबस्टन करवाते हैं तो हमारा कितना अमाउंट में एस का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि हमारा एस फॉर्मेशन, एस का फॉर्मेशन कितना हुआ, तो 200 इंटू 50% है, तो 50 और डिवाइड कर देंगे 100, तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 100 टन। यानी कि जब आप 200 टन फ्यूल जलाएंगे तो आपका 100 टन क्या होगा, एस का फॉर्मेशन होगा। और ये जो 100 टन है ना, ये कहां कहां पे मतलब कि ट्रैप होता है, इसको अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा एफबीसी बॉयलर होता है उसमें लगभग हमारा ये जो हमारा जो एस है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेड एस, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा फ्लाई एस। ठीक है, बेड एस का मतलब कि ऐसा एस जिसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, जो कि हमारा उड़ नहीं सकता है। इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, इसका डेंसिटी कम होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, फ्लू गैस के साथ निकल जाता है। तो हमारा जो एफबीसी बॉयलर है उसमें देखा जाता है कि हमारा लगभग 25 से लेकर के 30% क्या होता है, हमारा बेड एस कलेक्शन होता है, और बाकी इधर हमारा 65 से लेकर के 70% तक हमारा क्या होता है, फ्लाई एस का फॉर्मेशन होता है। वही अगर हम लोग सीएबीसी बॉलर की बात करें तो सीएबीसी में 20-80 का रेशो होता है, यानी कि 20% हमारा बेड एस होगा और 80% हमारा क्या होगा, फ्लाई एस होगा। तो ये आप लिख सकते हैं एफबीसी और ये आप लिख सकते हैं सीएफबीसी। ठीक है,
ये जो हमारा 20% बेड एस होता है इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए बेड एस किसको हम लोग बोलेंगे कि जहां पर हमारा बेड है यानी कि जो हमारा फ्लूडाइजिंग बेड है वहां पे हम लोग क्या करते हैं फ्यूल का कंबसन करवाते हैं, तो उस बेड पर हमारा 20% एस का कलेक्शन हो जाता है और बाकी का जो 80% है वो रिमेनिंग सेक्शन में जाके कलेक्शन किया जाता है। जैसे कि हमारा ये जो 80% है इसको सब डिवाइड कर दिया गया है, जैसे कि हमारा इकोनोमाइजर के अंदर क्या होता है 10% कलेक्शन होता है, वही एपीएच के अंदर हमारा कितना होता है तो 10% होता है। तो इस तरह से हमारा कितना हो गया 20 और 10, 30 और 40 और बाकी का जो 60% होगा वो हमारा ईएसपी के अंदर कलेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि हमारा 20% क्या होगा बेड एस होगा और बाकी का जो 80% है वो हमारा फ्लाई एस होगा। तो चलिए इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं। अभी हम लोग देखें कि हमारा जो 200 टन फ्यूल कंजप्शन कर रहे हैं तो हमारा एस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 100 टन हो रहा है अकॉर्डिंग टू हमारा एस कंटेंट। अगर ये 60 होगा तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 60 करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो आपके यहाँ कितना एस कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कीजिए। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हमारा 100 टन का एस का फॉर्मेशन हो रहा है बॉयलर के अंदर तो हमारा बेड एस जो है बेड एस वो कितना होगा? तो जाहिर सी बात है 100 टन का 20% कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 20 टन हो जाएगा। वही अगर हम लोग फ्लाई एस की बात करें फ्लाई एस तो ये कितना होगा तो 100 टन का 80% यानी कि 80 टन होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा 20 टन यहां पे एस का फॉर्मेशन हुआ वो हमारा कहां पे रह जाता है तो यहां पे हमारा 20 टन। हम लोग अगर मान लीजिए इसको 8 घंटे के लिए लिए हैं मतलब कि वन शिफ्ट के लिए लिए हैं तो 8 घंटे में हमारा बेड के अंदर कितना एस का कलेक्शन होगा तो 20 टन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूल का कंबसन करवाने के बाद ये 20 टन हमारा यहां पे एस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पे बेड मटेरियल डाल के इसको फ्लूडाइज कर रहे हैं, चाहे एबीसी हो या सीएबीसी हो वहां पे फ्लूडाइज कर रहे हैं। तो जितना भी हमारा हाइट है बेड का जो हाइट रहता है उसमें अगर हम लोग और 20 टन ऐड कर देंगे तो ये हाइट कितना हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम लोग ये हाइट बढ़ाते रहेंगे तो हमारा जो एयर का प्रेशर है उसको फ्लूडाइज नहीं कर पाएगा यानी कि जो हमारा बेड है वो फ्लूडाइज नहीं हो पाएगा। तो हमारा बेड को फ्लूडाइज मतलब कि हमारा प्रॉपर कंबशन के लिए हमारा जो फ्लूडाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारा एक सर्टेन हाइट बढ़ जाता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 8 घंटे में हमारा 20 टन हो रहा है। ठीक है, तो पर आवर में यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टन या 4 टन हमारा क्या हो जाएगा बेड हाइट बढ़ेगा। तो जैसे हमारा 3 टन इसके अंदर एस का फॉर्मेशन हो गया तो हमारा बेड हाइट बढ़ गया और उस कंडीशन में हमारा जो एयर फ्लो है कम हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे ये जो हमारा एक्स्ट्रा 3 टन है ना इसको हम लोग ड्रेन कर देते हैं यानी कि बॉयलर का जो हम लोग ड्रेन करते हैं यहां से वो क्या होता है हमारा ये जो एक्स्ट्रा एडिशन हुआ एस का उसको हम लोग रिमूव करते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ हमारा बेड मटेरियल भी आ जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा एस का फॉर्मेशन होता है इसका जो प्रॉपर्टी होता है और हमारा जो बेड मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है उसमें बहुत ही ज्यादा अंतर है क्योंकि बेड मटेरियल का जो काम होता है वो हमारा टेम्परेचर को मतलब असिस्ट करता है, टेम्परेचर को होल्ड करने का काम करता है या हीट ट्रांसफर करने का अच्छे से काम करता है। तो इसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होता है, एस के अंदर वो वाला प्रॉपर्टी नहीं हो पाने की वजह से हमारा जो कंबस्शन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं जैसे ही हमारा हाइट बढ़ेगा तो हम लोग इसको ड्रेन कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा बेड हाइट क्यों इंक्रीज होता है। ठीक है, तो एक ये प्रॉब्लम हो गया। तो जैसे ही हम लोग इसको ड्रेन कर लेंगे तो हमारा सर्टेन बेड हाइट आ गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि हमारा बेड मटेरियल चार्ज क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे बेड मटेरियल है और जो हमारा एस का फॉर्मेशन है दोनों का प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है। तो जब हम लोग ड्रेन करते हैं तो हमारा ऐसा नहीं है कि केवल पूरा एस ही पार्टिकल आ जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एस का जो डेंसिटी होता है बेड मटेरियल से ज्यादा होता है तो ये हमारा बॉटम में आता है, इसीलिए हम लोग इसको ड्रेन करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में हमारा एस ही निकलता है। लेकिन इस एस के साथ साथ हमारा कुछ अमाउंट में बेड मटेरियल भी आ जाता है। तो जब आपका बेड मटेरियल का क्वांटिटी बहुत कम हो जाता है बॉयलर के अंदर तो आप देखेंगे कि हमारा जो बेड का टेम्परेचर है वो प्रॉपर शो नहीं करता है क्योंकि वहां पे बेड मटेरियल हमारा ड्रेन हो चुका है और वहां पे हमारा एस का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बेड को ड्रेन कर देते हैं यानी कि एस कंटेंट को ड्रेन कर देते हैं और वहां पे नया बेड मटेरियल चार्ज कर देते हैं जिससे फिर से वो अपना ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है उसको अचीव कर लेता है।
तो ये सारा पैरामीटर देख करके ही हम लोग ड्रेन या चार्जिंग करते हैं। तो हमारा ड्रेन कब करेंगे, जब हमारा बेड हाइट बढ़ गया तो ड्रेन कर लेंगे, और उसमें हमारा कुछ बेड मटेरियल भी आ जाता है, तो उस बेड मटेरियल को फिर से हम लोग फिल करने के लिए तब कब फिल करते हैं, जब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हर एक कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है किसी में कम है या किसी में ज्यादा है। तो अगर हमारा बेड टेम्परेचर अच्छे से शो नहीं कर रहा है, हमारा किसी में 600 दिखा रहा है, किसी में 900 दिखा रहा है, तो उस जगह पे हम लोग समझ सकते हैं वहां पे सेल पार्टिकल ज्यादा है। तो उस पार्ट से जहां पे भी हमारा टॉप या बॉटम साइड होता है ना, हमारा जो बेड टेम्परेचर दिखाता है बीसी बॉलर में, एक टॉप साइड में दिखाता है, एक बॉटम साइड में दिखाता है। तो मान लीजिए कि हमारा बॉटम साइड का जो टेम्परेचर है वो कम दिखा रहा है, तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं कि वहां पे हमारा एस का जो कंटेंट है बहुत ज्यादा है, यानी कि हेवी पार्टिकल ज्यादा है, यानी कि ये जो हमारा एस कंटेंट है ज्यादा है। तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन कर लेते हैं। तो जब हम लोग ड्रेन करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है, यानी कि वहां से हमारा एस निकल गया, तो हमारा जो भी है उस जगह को फिल कर लेता है हमारा बेड मटेरियल। जब हम लोग ड्रेन करेंगे तो बेड हाइट कम हो जाता है, तो हम लोग फिर से वहां पे चार्ज कर देते हैं, मतलब कि बेड मटेरियल नया है वहां पे चार्ज करते हैं, जिसके चलते हमारा जो मतलब कि टेम्परेचर है वो होल्ड होने लगता है, क्योंकि वहां पे नया बेड मटेरियल आ गया और बेड मटेरियल फिर से अपना एक्चुअल फंक्शन करने लगता है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पे ड्रेन क्यों करते हैं और चार्जिंग क्यों करते हैं और क्या पैरामीटर देख करके हम लोग ड्रेन या चार्जिंग करते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा फ्लाई एस है उसका जो 80 टन का प्रोडक्शन हुआ, यानी कि जो हमारा 80% फ्लाई एस का प्रोडक्शन हुआ, ये कहां पे जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकोनोमाइजर में हमारा कितना परसेंट एस का कलेक्शन होता है, तो 10%, यानी कि फ्लाई एस का कलेक्शन होता है। तो हमारा टोटल फ्लाई एस कितना है, 80 टन है, तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, तो 80 का 10% हमारा होता है 8 टन, यानी कि हमारा इकोनोमाइजर में 8 टन क्या होगा, एस का फ्लाई एस का कलेक्शन होगा। सिमिलरली हमारा एपीएच में भी 8 टन का कलेक्शन होगा। तो इस तरह से 8, 8, 16 और बाकी का जो बचा, यानी कि 16 इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और ये क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 64 टन हमारा फ्लाई एस जो है ईएसपी के अंदर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के अंदर कलेक्ट होता है। तो ये जो हमारा ईएसपी है ये भी हमारा सब डिवाइड रहता है, मतलब कि 2 पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा है कि इसका जो हमारा ईएसपी है वो 3 फील्ड है, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, यहाँ पे 3 फील्ड है, और तीनों फील्ड में हमारा क्या रहता है, हॉपर रहता है। तो जो हमारा फर्स्ट फील्ड होता है उसका एफिशिएंसी और ज़्यादा होता है, यानी कि जो हमारा 64 टन जो यहाँ पे एस आया, फ्लाई एस आया यहाँ पे ईएसपी के अंदर, तो इस 64 टन का जो फर्स्ट फील्ड है वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब करता है, तो ये लगभग हमारा 55% फ्लाई एस को यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाता है, और बाकी का हमारा जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पे हम लोग लगभग 25% कलेक्शन करते हैं, और जो रिमेनिंग बचा है, यानी कि कितना बच गया, तो ये 60 और 20 80 हो गया, तो हमारा 20% लगभग हमारा यहाँ पे कलेक्शन होता है। तो 64 का अगर 55% करेंगे तो इतना टन हमारा यहाँ पे कलेक्शन होगा, 64 का 25% करेंगे तो यहाँ पे कलेक्शन होगा सेकंड में, और थर्ड फील्ड में हमारा इसका 64 का 20% कलेक्शन होता है। तो इस तरह से हमारा जो फ्लाई एस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बेड एस का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा बेड हाइट बढ़ता है, कैसे हमारा एस का फॉर्मेशन होता है और कितना अमाउंट में हमारा एस का फॉर्मेशन होगा। तो आप एफबीसी में है तो ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग 20% लिए हैं वहां पे 25-30% ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सीएबीसी का समझ लिया। तो ये हुआ ऑल अबाउट, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।